CUET PG 2022 application forms are out and let me clear this out for you. BHU LLB के लिए CUET PG का examination ही conduct होगा. BHU को admission CUET PG के exam के through होगा. DU का अपने own exam के through होगा. CUET PG DU will not follow. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे. पहले तो मैं आपसे ये बात करूँगी कि CUET PG का क्या pattern है, क्या criteria है, क्या eligibility है, कैसे आपको ये examination देना है. एंड देन मूविंग फर्दर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि BHU के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर BHU, तो किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि CUET PG का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा फॉर BHU. लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस फर्स्ट सी कि इसकी जो एप्लीकेशन विंडो है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के बारे में यहाँ मेंशन्ड है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेट्स कि आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं उसकी डेट्स क्या है. यहाँ पर आप देखेंगे कि 19th मई टू 18 जून तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि 18 जून से पहले पहले आप रजिस्टर कर दें फॉर दिस एग्जामिनेशन. एंड द फीस इज गिवन हियर कैटेगरी वाइज, यू कैन चेक. डेट जो है एग्जामिनेशन की वो अभी स्पेसिफाइड नहीं ही है. यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि डेट्स जो है दैट इज़ टू बी डिसाइडेड. एग्जामिनेशन जो है आपका वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट्स का होगा. टाइमिंग जो है ये एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट होने वाला है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये पूरा अगर आप आगे देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है. कैसे आपको एप्लीकेशन भरनी है, क्या चीज़ें अपलोड करनी है, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ऑल दीज थिंग्स जो जनरली हम सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स में अपलोड करते ही हैं, यू मस्ट बी यूज टू इट. नाउ फी पेमेंट करना है एंड बेसिकली दिस इज़ द होल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विच आई एक्सपेक्ट कि आप अपने एंड से चेक कर लेंगे. नाउ अगर CUET की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा. बट इट डज नॉट मीन इट विल हैपन फ्रॉम योर होम, बिकॉज कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है. इट विल हैपन एट द सेंटर्स. इस बुलेटिन में ही नीचे लिस्ट दी हुई है सिटीज़ की, जहाँ जहाँ सेंटर पढ़ सकता है वो सिटीज़ की लिस्ट मेंशन है. तो ये एग्जामिनेशन आपको उन सिटीज़ में देना होगा. देन ये एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट होगा. बायलिंगुअल एग्जामिनेशन होगा एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछी जा रही है, ऑब्वियसली दैट लैंग्वेज विल बी द लैंग्वेज जो सिलेबस में मेंशन है, वो आपको हिंदी में नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गिविंग BHU, आपकी इंग्लिश टेस्ट होनी है तो दैट इंग्लिश पार्ट विल नॉट बी गिवन इन हिंदी. नाउ कमिंग ऑन टू द सिलेबस, इफ़ यू सी ये PGPQP40 जो DU जो BHU का एग्जामिनेशन है उसका कोड ये है. एंड यहाँ पर हमारा सिलेबस हम क्या देख रहे हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे. लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन वर्बल एबिलिटी से, जनरल नॉलेज अवेयरनेस से, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये हमको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल रहा है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी रॉन्ग रिस्पॉन्स आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा. सो नेगेटिव मार्किंग इज देयर. नाउ अगेन एज आई सेड कि BHU का कोड ये होने वाला है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल पेपर कंडक्ट कराया जाएगा. ये सिलेबस ऑलरेडी मेंशन है एंड दिस अप्लाइज फॉर LLB. नाउ स्ट्रेट अवे लेट्स गो टू द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी सेक्शन, जहाँ पर BHU की बात करी गई है. BHU का जो एग्जामिनेशन है वो हमारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ लॉज PGPQ40, LLB बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज द यूनिवर्सिटी दैट्स गोइंग टू कंडक्ट इट. पेपर पैटर्न यहाँ पर स्पेसिफाइड है जो कि मैंने आपको पहले बताया. अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लए क्या मेंशन है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ योर 3 ईयर कोर्स. जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई डिग्री करी है, चाहे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका एग्रीगेट जो है वहाँ पर आपको 50% मार्क्स चाहिए. अब ये दिस वी आर सीइंग इन द CUET प्रोस्पेक्टस.
सीयूएट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है. आई गिव यू अ लिंक ऑफ दिस सो दैट आप अपने एंड से भी जाकर देख सके. देन कमिंग ऑन टू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो BHU की वेबसाइट पे दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. BHU की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है कि BHU PET का जो एग्जामिनेशन है जो 3-year LLB कोर्स है ये इट विल बी कंडक्टेड बाई NTA अंडर द CUET PG एग्जामिनेशन. सो इट इज़ क्लियर दैट BHU विल हैपन थ्रू CUET PG. वेबसाइट भी यहाँ पर इन्होंने आपको दी हुई है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. नाउ इफ वी कम ऑन टू चेक द सीट्स, सीट्स यहाँ पर हमारी जो मेंशन है 286 सीट्स यहाँ पर गिवन है. अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ BHU का देखेंगे तो मैक्सिमम 286 सीट्स हैं. 151 यहाँ पर कोर्स कोड दिया हुआ है. देन मूविंग फॉरवर्ड यहाँ रिजर्वेशन वगैरह की बात करी गई है. साथ साथ ये बोला गया है जो और एग्जामिनेशन हैं उसमें मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर SC ST कैंडिडेट्स. बट जहाँ पर LLB की बात आती है वहाँ पर SC ST कैंडिडेट्स शुड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं. एंड फर्दर 5% रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर OBC एंड PWD कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द मिनिमम एज मिनिमम रिक्वायरमेंट which is as we saw earlier 50% है. but OBC PWD के लिए आपको 45% minimum aggregate marks चाहिए. reservation के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. जो भी आपको apply होती हैं चीज़ें वो एक बार आप यहाँ से पढ़ लीजिए. यहाँ पे अगर आप BHU की website पे registration के link पर click करेंगे सो इट विल टेक यू टू द CUET वेबसाइट. तो आपको रजिस्टर एक ही बार करना है. तो आपको वो रजिस्ट्रेशन जो है वो BHU की वेबसाइट वो तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो CUET की वेबसाइट पे जाकर करना है. नाउ लेट अस अगेन हैव अ लुक एट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पर गिवन है हमारा. As we saw earlier in the CUET information bulletin, eligibility criteria भी यहाँ पर same है. 50% minimum आपको चाहिए in considering all subjects in 3 years. And so basically यहाँ पर इन्होंने PG की अगर आप बोले की बात करी है या नहीं, अगर आप नोट में देखेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी सो दे आर कंसिडरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएट मार्क्स एज वेल. ऑल्दो यहाँ पर इन्होंने 3 ईयर बोला हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपकी कंसिडर करी जाएगी. नाउ उसमें आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए. प्लस इट शुड नॉट बी दैट कि आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो मतलब आपने ओपन यूनिवर्सिटी से चाहे किया हो आप एलिजिबल हैं. इवन इफ आपने ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया आप एलिजिबल हैं. बट द थिंग इज दैट अगर आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है तब ये आप पे अप्लाई नहीं होता, अदरवाइज इट डज अप्लाई. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द सिलेबस, लेट अस सी द सिलेबस जो BHU के प्रोस्पेक्टस में यहाँ पर दिया हुआ है. थोड़ा सा वेरिएशन हमको यहाँ देखने को मिलेगा सिलेबस में. सिलेबस अगर आप देखें सेम कोड PGPQ40 जो CUET में दिया हुआ है. नाउ सिलेबस में यहाँ पर पैटर्न ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम की बात करें 100 MCQs हमारे आएंगे. अब ये MCQs कहाँ से आएंगे, इट विल कम फ्रॉम इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. बाकी सब ठीक है जो अलग एरियाज हैं. अगर हम इसको CUET के सिलेबस से कंपेयर करें, जो सिलेबस हमें यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर एडिशनली वर्बल एबिलिटी मेंशन है. यहाँ पर इंग्लिश की जगह लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन और वर्बल एबिलिटी ये ब्रेक डाउन किया गया है. BHU का यहाँ पर सिलेबस में सिर्फ इंग्लिश बोला गया है. नाउ इंग्लिश विल इंक्लूड योर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ऑल अदर एरियाज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, आपकी जो भी ग्रामर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, पैराफ्रेजिंग, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग्स, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इंग्लिश. सो इन सभी चीज़ों पर आपको टेस्ट किया जाएगा. देन अनदर थिंग इज कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करी गई है. हाउएवर इन द BHU प्रोस्पेक्टस देव सेड they've mentioned general aptitude and logical reasoning. अब ये general aptitude क्या है, confusion है regarding this.
नाउ लॉजिकल रीजनिंग हम नहीं कह सकते कि जनरल एप्टीट्यूड इज लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग सेपरेटली मेंशन है. और आप अगर एक लॉयर की तरह सोचो तो अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, इसका मतलब इंटेंशन ये नहीं है कि आपको ये टर्म्स सिनोनिमसली यूज करने हैं. जनरल एप्टीट्यूड का मीनिंग या तो मेंटल एबिलिटी हो सकता है कि आपका मैथ्स आ सकता है, या फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड ये भी हो सकता है कि क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जाए कि जनरली आपका एप्टीट्यूड कैसा है. तो ये अभी क्लैरिटी नहीं है. लेट अस होप कि एनटीए की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट रिलीज होंगे, उस मॉक टेस्ट से हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आने वाला है. देव गिवन द सेक्शन फॉर मॉक टेस्ट, सो लेट्स वेट इफ दे रिलीज इट एंड इट कम्स लेट, सो डू नॉट कीप सिटिंग. उसके लिए वेट मत करते रहिए बिकॉज वो टाइम लेता है. अगर हम बात करें कि हमें तैयारी कैसे करनी है, आई वुड से कि आप ये सारे एरियाज कवर करके चलें. इंग्लिश के लिए आप रेन एंड मार्टिन की बुक यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपका ग्रामर इजीली कवर हो जाएगा. नॉर्मन लुइस की बुक यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत से सोर्सेस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इंग्लिश कर सकते हैं. जनरल नॉलेज की बात करें, स्टैटिक जीके यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, तो इसके लिए आप लूसेंट की बुक कर सकते हैं. यहाँ पर आई वुड से कॉन्स्टिट्यूशन भी कीजिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैटिक जीके जनरल अवेयरनेस का पार्ट माना जाता है, तो वो भी आप करके चलिए. कंप्यूटर बेसिक्स के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऑल्दो आई थिंक इस बुक में आपको कंप्यूटर बेसिक्स भी मिल जाएगा. देन जनरल एप्टीट्यूड अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्रिटिकल रीजनिंग है या मैथ्स है, तो दोनों ही चीज़ें आई वुड से कि अभी कवर करके चलिए. एंड लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें, तो लॉजिकल रीजनिंग में जो बेसिक आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वेन डायग्राम, सीक्वेंस सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग में आती हैं, ये आप कर सकते हैं. आर एस अग्रवाल की बुक आती है. नाउ इफ़ यू वांट कि आपको ज़्यादा हाथ पैर ना मारने पड़े, आपको सब चीज़ें एक जगह पर मिल जाएँ, तो देन यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.lawdigest.in. ये सभी चीज़ें हमने वहाँ पर कवर करी हुई हैं. कंप्यूटर बेसिक्स विल शॉर्टली बी एडेड टू द कोर्स ऑफ स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके में अभी तक हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस दिया हुआ है, हम कंप्यूटर बेसिक्स भी उसमें ऐड कर देंगे, ताकि अगर आप PHU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो जाए. सो यू कैन चेक आवर वेबसाइट फॉर द मॉड्यूल इफ़ यू वॉन्ट. That is basically what I had to share with you regarding BHU examination. If you're preparing, if you want to appear for this examination, आप अगर BHU examination देना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए. ये examination ये बोला गया है that most probably July end में conduct हो सकता है. CUET PG, they can wind it up towards July end. However, I think it is tough कि जुलाई एंड तक ये कंडक्ट किया जा सके, बिकॉज applications ही हमारी जो आप देख रहे हैं या 18 जून तक अवेलेबल है. करेक्शन विंडो भी 22 जून तक अवेलेबल है. सो लेट सी वेन दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू गेट कंडक्टेड. बट आप ये मान के चलिए कि जुलाई एंड में ये एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करके चलें. जस्ट इन केस अगर आपको कोई अभी डाउट है, कोई क्वेरी पेंडिंग है, ड्रॉप डाउन द सेम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. ऑल्सो इस चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको साथ साथ पता लगती रहेंगी अबाउट लीगल एजुकेशन, लीगल करियर, लीगल अवेयरनेस, ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो. तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को. इंस्टाग्राम पर भी हमको ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग लीगल कंटेंट डेली बेसिस पे आपके लिए अपलोड करते हैं.